भारतीय सेना की अग्निपथ योजना से भड़की आज सतना भी पहुंच गई है। यहां भी सेना में जाने की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं का गुस्सा भड़का हुआ है। हालांकि पुलिस ने युवाओं की समझाइश की है, उधर पुलिस ने एहतियाती कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जीआरपी ने रविवार को फ्लैग मार्च भी किया। युवाओं ने सोमवार को सतना में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, लेकिन इसकी खबर पुलिस को लगी तो पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और प्रदर्शन को टालने की कवायदें शुरू कर दी गई। बातचीत और समझाइश के दौर के बीच आखिर पुलिस अपने मकसद में कामयाब हुई और प्रदर्शन का ऐलान करने वालों ने सोमवार को प्रदर्शन का फैसला वापस ले लिया। उन्होंने एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार जैन को एक ज्ञापन दिया और अपनी मांग सेना तथा केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। युवाओं का कहना है कि उन्हें अग्निपथ स्कीम कतई मंजूर नहीं है, वे उपद्रव कर शांति भंग नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन करने का निर्णय वापस लिया है। वे चाहते हैं कि सेना को पहले जैसा ही रहने दिया जाए, सेना के जरिए देश सेवा के रास्ते को अग्निपथ में न बदला जाए। प्रदर्शन की तैयारी कर रहे युवाओं को एएसपी जैन ने सीएसपी ऑफिस के सभागार में बैठा कर समझाइश दी। उन्होंने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के साथ संयुक्त बैठक की, इसमें तय हुआ कि मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाएगी। इधर युवाओं ने प्रदर्शन का ऐलान किया तो उधर पुलिस हरकत में आ गई। तमाम स्थानों पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा स्टेशन और ट्रेनों पर निकल रहा है, लिहाजा जीआरपी ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। जीआरपी की टीम ने फ्लैग मार्च किया और स्टेशन कैंपस में निगरानी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। हम आज अपना ज्ञापन दिए, आंदोलन करना चाहते थे, आंदोलन किस संबंध में आज आप लोग ज्ञापन दिए? हमने पूरा ड्यूटी के संबंध में अग्निपथ में विपक्ष ने दिया, हमें अग्निपथ पूरा ड्यूटी नहीं चाहिए। जैसे पहले था आर्मी, उसी तरह हमें आर्मी का रूल चाहिए, सब कुछ वही चाहिए, उसमें हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। हम